मुझे आपकी समस्याओं में कोई दिलचस्पी नहीं है एजेंट क्लोब, मुझे सिर्फ अपनी संपत्ति वापस पाने में दिलचस्पी है। मैं तुम जैसे एजेंट से पक चुका हूं। अब फ्रांसुआ, यह है चॉय, और चॉय ये फ्रांसुआ। हेलो। हेलो सर, मैं ऑपरेटर बोल रही हूँ, मिस्टर बैनर के लिए फोन है। बैनर बोल रहा हूँ। मैं रोजी हूँ और मैं आपसे मिलना चाहूँगी। मिलना तो मैं भी चाहूँगा, लेकिन कब? कल मिल सकते हैं? नहीं, कल नहीं, कल मुझे बहुत जरूरी काम है। तो फिर कब? गुरुवार की रात मिल सकते हैं क्वींस में? रास्पबेरीज में मिले? रास्पबेरी भी ठीक है, राजबेरी में मिलते हैं। गुरुवार की रात? गुरुवार की रात मिलते हैं, ठीक है। सॉरी डियर, मुझे जाना होगा, मौका मिला तो दोबारा जरूर मिलेंगे हम, शायद अगले जन्म में डालें। चाय? हाँ, ये तो गई काम से, करता हूँ। I'm
समझ में नहीं आता वो कहाँ रह गया, कभी वक्त पर नहीं पहुँचता। वो आपका लड़का कल रात बिजी था। बिजी था? मुझे पता है कहाँ बिजी था। एक काम करना, तुम ये फाइल उसे दे देना, मैं उसका इंतजार करते कब तक चुपचाप बैठा रहूं। मैं हाजिर हूँ। हेलो। अब ये कहाँ से आ गई? क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकती यहाँ पर बताओ? मैं भी आजकल तुम लोगों के काम में दिलचस्पी लेने लगी हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं काम में मदद करूँ। बस एक आप ही की कमी थी। इसलिए कि मुझे कमीने आदमी की जरूरत है। मैं कमीनी ही सही, लेकिन तुम तो किसी काम के नहीं। यह तो बड़ी खुशी की बात है कि एक बार फिर हम लोग साथ काम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और इस मिशन में तुम मेरे अंडर काम कर रहे हो। क्या ये सही है कर्नल? जब तक मैं यहाँ हूँ यही सच। जेंटलमैन, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। ठीक है, बताओ क्या काम है। ये बिल्कुल साफ है बेटे, पर अगर मुझसे ही सुनना है तो सुनो। तुम मुझसे पूछे बगैर कोई डिसीजन नहीं लोगे, मुझे बताए बिना कुछ नहीं करोगे। तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। और एक जरूरी बात पागल जासूस, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारे कारण मैं अपने पांव खो चुका हूं पिछले मिशन में इंटर एजेंसी कोऑपरेशन के, और अब यहां से फौरन चले जाओ इसके पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। और तुम्हें हमेशा हर पल मेरे टच में रहना है, और तुम्हें जरूरत पड़ी तो मैं कांटेक्ट में रहूंगा, समझ गए? भरोसा रखिए। सख्त नफरत है रेडिएटर से। लेकिन कर भी क्या सकते हो, उनके लोग चारों ओर हैं। तुम जानती हो मैं जल्दी हार नहीं मानता। तो फिर कुछ करो बैनर। लैंडिंग के लिए सही जगह तो मिल गई। बिल्कुल, इसे पकड़ो। जरा वो वहां रखी है मेरी पिस्तौल तो देना। वो क्यों? इसे मैं अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास रख लेता हूँ। आप दोनों यहाँ घूमने आए हैं? बिल्कुल सही फरमाया आपने। चलो बैनर, हमें अपने काम पे लग जाना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, इसी के लिए तो हम यहाँ आए हैं। इसे प्लेन को ढक देते हैं।
बड़ा सुंदर सांप है, लेकिन मुझे नहीं रोक पाएगा, मैं आगे जा रहा हूं। जनरल यहीं पर है सर। बहुत बढ़िया लेफ्टिनेंट, और तुम्हारा दोस्त बैनर कहाँ है? क्या वो अंदर पहुंच गया? नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है वो। ये है मेरा कमाल दोस्त। ब्लैक पैंथर, ब्लैक पैंथर, जल्दी बताओ क्या चल रहा है। बैनर पीछे से पहुंच गया है, अब वो कुछ यंत्र का इस्तेमाल कर रहा है। भगवान करे सब ठीक हो। आप सही कह रहे हैं सर, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। मुझे तो बैनर पर पूरा भरोसा है, वो हमेशा अपने काम को अंजाम देता है। लेकिन मुझे उस सुअर के बच्चे बैनर पर भरोसा नहीं। खैर, तुम उस पर नजर रखो ताकि काम बराबर हो। जी सर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जल्दी करो। ये कहां से आ गए? कैसे हो बैनर मेरे दोस्त? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, बहुत दिनों बाद। अब इतने दिनों बाद मिलोगे तो हमारी दोस्ती कैसे कायम रहेगी? अब मुझसे तो चालाकी मत करो। आखिर ये कर क्या रहा है? कुछ पता नहीं। लेफ्टिनेंट जी सर, कोई समस्या है? जी, लगता है मदद की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मदद भेजता हूँ, अपनी पोजीशन बताओ। अभी बताती हूँ सर, हम समुद्र तल से 4000 फीट ऊपर हैं, पूर्व दिशा की ओर, जंगलों के बीच। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। क्या मैं हमला करने के लिए कह दूं? तुम जैसा ठीक समझो करो, लेकिन जरा होशियारी से काम करके निकल आओ। बैनर की परवाह मत करना। जी सर, आप चिंता ना करें।
काम हो जाएगा। और एक बात जी, ये बिल्कुल मत भूलना कि हमारा मिशन क्या है। मुझे पता है सर, बैनर इन मामलों में होशियार है। हाँ, इसीलिए तो हर मुश्किल मिशन में मैं उसे ही भेजता हूँ, और तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो, वो खुद संभाल लेगा। जी सर। हेलो, मैं पैंथर, फाल्कन को दीजिए। अच्छा, तो तुम हमारे इस स्कैम को इससे उड़ाने के लिए आए हो, इससे हम पर हमला करोगे? वाह, क्या दिमाग पाया है तुमने। अब क्या कहूं जनरल, हमारी सरकार का हथियार बनाने का बजट ही नहीं है, इसलिए हम इतने छोटे डायनामिट से। अच्छा है, देखिए ना जनरल, आपके आपके थप्पड़ का मैंने बुरा नहीं माना। ये क्या? क्यों जनरल, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अच्छा, भागो, बैनर तो मुझसे बच नहीं पाओगे। अब हीरोगिरी छोड़ो, असली काम करो बैनर। तो अलविदा जनरल। ये पकड़ में नहीं आ रहा, बात उसे संभालो, संभालो, गोली चलाओ, कहाँ लेके जाना है? बुला को, डॉक्टर को बुलाओ। नहीं, पकड़ उसको। क्या कर दिया? तूफान मचा के रख। गोली चलाओ, उड़ा उसे, कोई पकड़ो, अरे बुलाओ, पर कहीं वो भाग रहा है। देखो वो भाग रहा है, पकड़ो उसे, जाने ना पाए, पकड़ो उसे, वो बचना नहीं चाहिए। मदद, हमें मदद चाहिए, कैंप में दुश्मन घुस आया है। मेरे जलवे कमाल के। बैनर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ, लेकिन इस वक्त मैं जरा बिजी हूँ। हाँ, मैं करीब ही हूँ, अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। काउबॉय, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? बैनर, ये धमाके की आवाज कैसी? हमारा प्लेन जल गया है। हमारा प्लेन जल गया है? हाँ। कोई बात नहीं,
मैंने मदद के लिए कह दिया है, हेलीकॉप्टर पहुंचने वाला है, इसलिए तुम फिक्र मत करो। ठीक है, जल्द ही मिलते हैं। हीरोगिरी छोड़कर असली काम करो। जहाज उड़ने के लिए तैयार है? बिल्कुल। टेक ऑफ करें सर। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। जाओ जैकलिन, निकलो यहां से, ये मेरी ऑर्डर है। लेकिन तुम सोचो मत, जाओ तुम्हारे बगैर। चलो अब तो निकल सकते हैं। अब इसका क्या काम यहाँ, इसे पानी में फेंक देते हैं। ये क्या किया तुमने? चैकलीन, हेलो हेलो काउबॉय, हियर कमांडर, आप सुन रहे हैं? बोलो क्या पोजीशन है? ऑलराइट, हेलीकॉप्टर की हालत ठीक नहीं है। आई रिपीट, हेलीकॉप्टर की हालत ठीक नहीं है। इसका दिशा कंप्यूटर बराबर काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमें कुछ पता नहीं है कि हम किस दिशा में हैं। आप मुझे सुन रहे हैं ना कमांडर? हाँ सुनाई दे रहा है। ये क्या बेवकूफ है बैनर, कोई उसे छू नहीं सकता। तुम्हें सुनाई दे रहा है बहादुर? बैनर तुम कितनी फ्रीक्वेंसी पर हो? इस समय हमारी फ्रीक्वेंसी 1.25 XV है। जॉली कंपनी लीडर, आप पोजीशन पर हैं? बैनर तुम मेरी बात सुन रहे हो? मुझे पता है वो सुन रहा है, वो मेरी ऐसी तैसी कराएगा। गुड, याद रखिए ये 2004 साल है, आपका 1947 नहीं है। आप ब्रावो कंपनी को फायर पावर का बैकअप दीजिए और सुरक्षित जगह पहुंच जाइए। क्या आप समझ गए? ठीक है कैप्टन, जैसा तुम चाहते हो वैसे ही होगा। गुड लक मैन। करीब 200 मीटर दूर मेरे लोकेशन से, ओवर।
ने ब्यूटी क्वीन कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल जीता है, जिसकी चेस्ट 36, कमर 28 और हिप 38 है, और जिसकी खूबसूरती देखकर अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। तो ये है नप्पू चान आज ही हमारे सामने। यस नताशा, आपके लिए फोन है, कॉल ऑफ लाइन पर है, आपसे बात करना चाहती है। हाँ कॉमरेड कार्लो, मीटिंग अभी तक चल रही है? जी सर, बैनर इस वक्त हांगकांग में है। वो नौजवान पढ़ता ही चला रहा है, लड़कियों के पीछा करना उसकी आदत है। देखते हैं, बैनर BANNER स्टीफन चेम्स मेजर तुम्हारी स्क्रीन पर है। ओ नंबर 3, उम्र 32, अकेला, खूंखार हत्यारा रेशो, एकदम डेडलेस, ये बैनर का बच्चा। सर मैं ये बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ कि उस क्रिसमस ईव वाली फिल्म में ऐसी क्या खास बात है कि उसे हासिल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम यहाँ किसी हॉलीवुड की फिल्म की बात नहीं कर रहे, यहाँ एक ही प्रिंट है उस फिल्म की, फिल्म के नेगेटिव नष्ट हो गए हैं, एक यही फिल्म है डॉक्यूमेंट उस एजेंट की जिसका नाम है मिल्क शॉल्ट, जो पिछली क्रिसमस में मारा गया, और इसमें इतनी ताकत है कि ये ज्यादा बर्बादी कर सकता है, और ये फुटेज बहुत कीमती है। लेकिन सर मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है, हम बेवजह उस बात को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। उस फिल्म को अमेरिका से बाहर ले जाओ और ले जाकर UN ऑपरेशन में उसका इस्तेमाल करो। जी सर। मजाक है? ये बिल्कुल मजाक नहीं है। अगर हम लोग इस फिल्म को गौर से देखें, तो हमें पता चल जाएगा कि ये फिल्म हमारे देश की सुरक्षा के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। And I'm a cop. I carry a badge, a gun, and boots, and a nightstick, and handcuffs. Thank you.
याद रखिएगा, यह घटना आज से 20 साल पहले घटी थी। वो लड़का उस वक्त सिर्फ 8 साल का था, वो मानसिक रोगी था, इसलिए उसने बहुत कुछ किया। यह घटना करीब 20 साल पहले की है। लाइट्स ऑन करो, अब फिल्म को क्या हुआ है? अब क्या हो गया? आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या बात यह है, फिल्म को कोई तोड़ कर लेकर चला गया। ढूंढो उस फिल्म को आज ही, सबसे अच्छे आदमी को भेजो। जी सर, काम हो जाएगा। स्टीफन, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम मेरे साथ हो। मुझे भी, ये बहुत ही रंगीन शाम है। थैंक यू स्टीफन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे लिए टाइम निकालोगे। तुम्हारे ऑफिस के किसी एक आदमी ने बताया कि किसी इम्पोर्टेंट मिशन पे काम कर रहे थे, क्यों है ना? हो सकता है, पर उन सारी बातों को अब छोड़ दो। मुझे बताओ मिस कार्लोफ, तुम्हें कैसे पता चला एजेंसी के बारे में और तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हें इन दिनों बहुत शक होता जा रहा है, क्या तुम्हें आजकल मुझ पर विश्वास नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हांगकांग की एक लंबी ट्रिप है, थका देने वाली ट्रिप। एक्सक्यूज मी सर, आपके लिए फोन। हे भगवान, मुझे छोड़ते ही नहीं। बैनर हियर। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्यों किया ऐसे? मैं बात नहीं करना चाहता, मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ। देखो, बहुत जरूरी काम है, वो महत्वपूर्ण फिल्म जो क्रिसमस ईव पर बनी थी वो हेडक्वार्टर से गायब हो गई और तुम्हें उसे ढूंढना होगा। तुम्हारा मतलब डबल? बिल्कुल डबल क्रॉस। ठीक है लेफ्टिनेंट, मैं इस वक्त बहुत ही खूबसूरत दोस्त के साथ हूँ। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। कोई बात नहीं, मैं बाद में बताता हूँ। कहाँ है मीटिंग? सबमरीन बेस में, एक घंटे में पहुँचा। ओके श्योर। वेल मिस कार्लोफ, मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। वेटर, यस सर, हमारे खूबसूरत दोस्त को कॉफी पिलाओ, या तुम चाहो तो रेड वाइन भी पी सकती हो। मुझे ढूंढ रही हो जैकलीन? देर से आने की आदत नहीं गई बैनर, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऐसी चीज लाई हूँ जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगे। ये AV-48 डिकोडर है, इससे तुम्हें UN सोवियत कंप्यूटर रूम में घुसने में आसानी होगी। हमें लगता है वो फिल्म उसी कमरे के तिजोरी में है। बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, इसका रिंगटोन मैंने सेट किया है, इससे तुम मेन कंप्यूटर के एक्सेस में घुस पाओगे और तिजोरी खुल जाएगी। हो सकता है फिल्म उसी में हो। वैसे इस फिल्म में क्या है जैकलीन?
नंगी पुंगी फिल्म, राइट? ये नंगी पुंगी फिल्म नहीं है, इस फिल्म को वापस लाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस फिल्म में जो भी है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तुम्हें कैसे बता दिया उन्होंने? तुम तो बहुत बड़ी जासूस हो गई हो जैकलीन। तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं गई बैनर। मजा आ गया। मैं कार्लो बोल रहा हूँ, अपनी लोकेशन बताओ। मैं कंप्यूटर ऑपरेशन बिल्डिंग के बाहर हूँ, स्टीफन अंदर गया है। स्टीफन, क्या उसका भूत वहाँ पहुँच गया? प्लीज जनरल, अगर वाकई में उसमें इतनी काबिलियत है जैसा सुना है, तो वो सिक्योरिटी को तोड़कर तिजोरी तक पहुँचकर फिल्म को यूएसए वापस लेकर ही जाएगा। मैं मानती हूँ, मुझे कुछ और लोगों की मदद की जरूरत है जनरल। मेरी बात सुनो, मैं नहीं चाहता कि कोई भी, यहाँ तक कि अपने लोग भी उस फिल्म को देखें। उस फिल्म में जो बच्चा है वो इस वक्त हमारा एक एजेंट है, हमें उसको बचाना ही होगा। वैसे मैं तुम्हें एक सच्चाई बता दूं, वो असल में कोई एजेंट नहीं बल्कि मेरा पोता है। वो एक मानसिक रोगी और खूनी है। हमारी सरकार को उसकी इस बात पर शर्म है, वो उसे शिद्दत से ढूंढ रही है। उसके पकड़े जाने पर मेरी नौकरी को खतरा है। पर जनरल, मैंने सोचा कि मैं... कोई बहस नहीं, उस फाइल को जल्दी हासिल करो और उसे मेरे पास पहुंचाओ। जी सर, सोच लीजिए, आपका काम पूरा हो गया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। गुड बाय। कितना प्यारा बच्चा है। कोई खेल खेलना चाहते हो? नहीं कंप्यूटर, मैं कोई खेल नहीं खेलना चाहता। ओ, तो फिर अपना सिक्योरिटी कोड दर्ज करो। मुझे आप पर यकीन हो गया, अब आप अपना काम कीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं ये जानना चाहता हूँ कंप्यूटर, वो यूएन की फिल्म कहाँ पर रखी गई है? वो चलचित्र इस कमरे के पूर्व दिशा में स्थित बड़ी तिजोरी में रखा गया है। गुड कंप्यूटर, इस फिल्म में आखिर क्या है जो इतना महत्वपूर्ण है? वो क्या है कि हमारे मास्को के एक जनरल का पोता मानसिक रोगी और खूनी था। क्रिसमस की एक रात को उसने अपने माता पिता का खून कर दिया। क्या हुआ सर? कुछ नहीं कंप्यूटर,
ये बताओ बड़े तिजोरी को किस तरह से खोला जाए? बड़ी तिजोरी को खोलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ओके, शुक्रिया कंप्यूटर। सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं, अब तिजोरी खुलने वाली है। ठीक है, जारी रखो। गिनती गिनो, 5, 4, 3, 2 और खुल गया। लगता है कोई और है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, पर मेरे सिवा कौन हो सकता है। चलो बैनर शुरू हो जाओ। जाओ बेनर। ओह मिस्टर रेडियम, वक्त पर आ गए, पीछा करो ड्राइवर। मैं बैनर बोल रहा हूं, मेरी बात जरा गौर से सुनिए। हाँ, मैं सीक्रेट एजेंट बैनर। वो फिल्म चुराकर कोई दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और वो मोटर बाइक पर है। काले लिबास में है वो, राइट? देखिए, उस पर गोली नहीं चलाना। करेक्ट। देखो, उससे थोड़ा दूर ही रहो, वो फायरिंग भी कर सकता है। ड्राइवर, गाड़ी तेज चलाओ। गोली चला दी, अब ठीक है? हाँ ठीक है।
गाड़ी लेफ्ट में लौटा है वो। नहीं नहीं हमें कोई चोट नहीं लगी, हम ठीक है। कहाँ जा रहा है? उधर पानी में। जल्दी करो ड्राइवर। मुझे लगता है वो हमारे हाथों से निकल गया बैनर। हो सकता है ना अभी निकला हो। बहुत हो गया, फिर मेरे हवाले करो धोखेबाज। तुम धोखेबाज हो, तुम, मैं नहीं। बहुत हुआ। बहुत हो गया, फिर मेरे हवाले करो। फिर पानी में गिर गया। अब जब फिर पानी में गिर गया है तो आपस में लड़कर क्या फायदा, बोलो। तुम्हारा भी जवाब नहीं। ओके हाँ, क्या मुझे स्क्रीन पर दिखाओ। बैनर वहां पहुंच गया, मतलब अमेरिका। हमारे लोगों को भी पानी में उतारो अभी, मुझे वो फाइल चाहिए। मिशन पूरा होने जा रहा है राणा। ओह यस सर। यस सर कैप्टन बैनर। हेलो, कैसी हो तुम? मैं समझती हूँ तुम्हें आजकल ड्रेसअप करने के लिए भी टाइम नहीं है, क्यों? क्या जीनी, तुम कहो तो अभी चेंज करता हूँ तुम्हारे सामने, पर उसका क्या करें। आजकल काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है यार। टारगेट हमारे करीब आ रहा है। चलो चलो मशीन रूम में चलते, चलो। कम ऑन जल्दी। इस तरफ से सर। यस, जरा होशियारी से, ऑल द बेस्ट। चलो अपने मुकाम पर। जैकलिन, क्या तुम मुझे बता सकते हो इतना सब ये क्यों हो रहा है एक फिल्म के पीछे? कैप्टन स्टीवन, वो सब कुछ बाद में। किसी भी हालत में रशियंस को पहले हमको रोकना पड़ेगा। हाँ हाँ कैप्टन, सब ठीक? हाँ मैडम। सुनो स्टीवन, अपना ख्याल रखना, वो लोग बहुत चालाक है। हम पुराने दिन याद आ रहे हैं तुम्हें? उन पुराने दिनों की बहुत याद आती है। हाँ? पता है जब हम उस बार रेगिस्तान में घूमने गए थे? हाँ जैकलिन, याद है तुम्हें ऊंट पर बैठ के यहाँ वहाँ घूमने का बहुत शौक था। मैं एक ऊंट पर सवार थी और तुमने मेरी तस्वीर खींची थी। क्या दिन थे वो, अब भी याद करती हूँ
तो बहुत अच्छा लगता है। सचमुच तुम बहुत अच्छे थे उस वक्त। अच्छा, काम का काम और साथ में प्यार भी। Oh my dear Jacqueline। उस दिन जब हम झील की सैर कर रहे थे तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था। अच्छा। पता है, नहीं नहीं नहीं, देखो मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, मुझसे रिश्ता मत जोड़ो। क्यों, एजेंट्स प्यार नहीं कर सकते क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एजेंट की जिंदगी खतरों से भरी हुई रहती है, क्या पता कहाँ से गोली आए और खेल खत्म हो जाए। हम ऐसे ही नहीं रह सकते क्या? बोलो ना। ऐसे ही रहेंगे ना हम। कहाँ हो तुम? कहाँ जा रही है? मुझे लड़कियों से और खतरों से खेलने का शौक है, इसलिए तो मैं तुमसे प्यार करती थी। जैकलीन, मैंने तो ये तय किया था कि कभी प्यार व्यार के चक्कर में नहीं फंसूंगा, पता नहीं कैसे तुम्हारे करीब आने के बाद प्यार करने लगा। मुझे लगने लगा कि सचमुच मैं एक औरत हूँ, एजेंट नहीं। ओह जैकलीन, जिंदगी मुझे चाहे किसी भी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सच कह रहे हो बैनर? माय डियर जैकलीन, क्या ये सच है? आई लव यू डियर, आई लव यू। मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा स्टीवन, इसलिए तो मैं तुम पर फिदा हुई थी। सच, मैंने तुमसे प्यार किया। मुझे यकीन नहीं होता बैनर। काम के लिए, लेकिन हमेशा के लिए जुदा मत होना। कभी भी मेरी याद आए तो मुझे जरूर बुला लेना, लेकिन मुझे भुला मत देना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। बाय स्टीवन। सर, यहाँ हमें एक जहाज अपनी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमें बताइए सर, हमें आगे क्या करना होगा? बताइए सर। गोताखोरी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं सर, हम लोग आदेश का इंतजार कर रहे हैं सर। क्या हम सब तैयार हैं? फायर कर सकते हैं? ठीक है, मिसाइल छोड़ दो। रेडी 005, आर यू रेडी? मिसाइल छोड़ दो। 108 रेडी, फायर। लेडीज एंड जेंटलमैन,
हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने उस फिल्म को हासिल किया है जिसकी मिस्टर एली को सख्त जरूरत थी। तुमने जो हमारे लिए किया है बैनर, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। फिल्म देखने के बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि जो डिटेक्टिव ब्राउनी ने प्रेजेंट किया है वो कोई खास बात नहीं है। पहली बार जब मैंने ये फिल्म देखी तो मुझे तो ये एक नॉर्मल हॉरर फिल्म लगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सारे मर्डर रियल है। ये सही है कि ये लड़का जो है वो एक साइकिक लड़का है, और खास बात यह है कि ये कातिल नवासा है, रशिया के प्रीमियर जनरल का। बहुत अच्छी चीज है ये ब्लैकमेलिंग के लिए। पर मुझे ये कहना है मिस्टर एली, मुझे पता है आप नहीं मानेंगे, मुझे लगता है आपसी विश्वास और दोस्ताना जो आज दोनों देशों में हो रहा है उसे बरकरार रखने के लिए फिल्म को नष्ट कर देना चाहिए ताकि कोई एजेंसी कभी भी यूज ना कर सके। बहुत बोलिया कैप्टन बैनर, हम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। ठीक है तो फिर एक्सक्यूज मी, मुझे एयरपोर्ट जाना है, और मुझे आशा है कि आप मुझसे बहुत ज्यादा नाराज नहीं होंगे, पर इसके बारे में सोचिए कि उस फिल्म का क्या करना है। अगर मुझसे पूछे तो फ्रेंकली कहता हूं मैं उसे जला देता। गुड डे जेंटलमैन, लेडीज, डिटेक्टिव मिस्टर एली, एंजॉय। अगर आप लोगों ने गौर से फिल्म को देखा है तो वो बच्चा अपनी माँ और उसके प्रेमी को मार डालता है, और ये घटना घटी 1965 में। डिटेक्टिव ब्राउनी ने इस केस की छानबीन की थी। अब हम लोग फिल्म के अगले भाग में देखेंगे कि मिकी बड़ा हो गया है और वो आगे क्या कर रहा है। वो खूनी दरिंदा बन गया है। फिल्म दोबारा चालू करो। हाय जीनी, हैप्पी क्रिसमस। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई। बॉबी अंदर है। अच्छा बॉबी, जीनी तुमसे मिलने आई है। कैसे हो बॉबी? अच्छा हूँ। बहुत ही प्यारा क्रिसमस ट्री है। जीनी, जीनी ये लो 100 रुपए, मैं जा रही हूँ। हाँ? तुम्हें भूख लगे तो पिज्जा मंगा लेना। पिज्जा के 80 रुपए 20 रुपए टिप के दे देना, और ध्यान रखो कि बॉबी मस्ती ना करे। ओके, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम दोनों बहुत मजे करेंगे। बॉबी घर को ज्यादा गंदा मत करना। अब मैं जा रही हूँ। हमारी दोस्ती के नाम। आ, मेरे देखो कितनी बढ़िया है। आ, तुम भी चख लो। दो दो, मुझे भी दो। नहीं नहीं कम ऑन। हाँ हाँ बढ़िया है। मैं तो हमेशा मूड में ही होती हूँ। ए क्या कर रहे हो यार, ऐसे नहीं कहते। क्या अरे टोनी, इतनी सी टिन की बियर मुझे नहीं चलती है, मुझे बहुत सारी बियर चाहिए। कम ऑन ला दो यार मेरे लिए, पहली बार पी रहे हो। पी लो ना यार, बस थोड़ी सी। कम ऑन, ओ कम ऑन यार, बस बस। हाँ हाँ पता है पता है, कम ऑन थोड़ी सी यार, थोड़ी थोड़ी अच्छी लगेगी तुम्हें। ये प्लान नहीं है। याद रखना आज रात को सांता क्लॉज आएंगे, ठीक है? अब तुम सो जाओ। मेरे लिए क्या लाएंगे? बात थोड़ी अजीब सी लग सकती है, लेकिन इस फिल्म में जितने भी खून दिखाए गए हैं वो सब सच में ही खून है। लोगों का कहना है कि इस तरह के फिल्म में मानसिक रोगियों द्वारा खून करवाया जाता था, उन्हें खून करने के लिए मजबूर किया जाता था। इस फिल्म को हमारी एजेंसी ने फिल्माया है, और इसकी सच्चाई में कोई शक नहीं। और हमारे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हमें उस किलर के बारे में पता लगाना कि अब वो कहाँ है। Thank you.
सब लोग ध्यान से सुनिए। अभी अभी खबर मिली है कि ओबेरॉय टावर में चली एक क्रिसमस पार्टी में सेंटा क्लॉस के भेष में आए हत्यारे ने पागल बोली जा रहा है हत्या कर दी है और वो हत्यारा वहां से भागने में भी कामयाब हुआ है। उसका नाम है मिकी शुल्ट। उसे पकड़ने में मदद करने वाले को इनाम दिया जाएगा। तो शहर में वापस आ गया है। वो बेवकूफ है, तुम जानती हो तनुजा। क्या बोल रहे हो ब्राउनी? 20 साल पहले उसने अपनी माँ और बूढ़े बाप का घर की छुरी से खून कर दिया। यकीन मानो, मैंने इतना खून कभी नहीं देखा था और कभी भूल भी नहीं सकता। ओफो बाजुहाट। और हाँ, मैं अंदर पहुंचा तो वो दोनों मरे पड़े थे खून के तालाब में, और उसका बेटा हाथ में छुरी लिए खड़ा था वहां। जैसे ही मुझे देखा रोना शुरू कर दिया, फूट फूट कर रोने लगा। जानती हो तुम, फूट फूट कर। सुनो ब्राउनी, मुझे लगता है उस बात पर गौर नहीं करना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे एक दिन जरूर पकड़ लूंगा। बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए, फिर वो मुझसे बच नहीं सकता। जानती हो, जब भी उसकी माँ उसे सेंटा क्लॉस का ड्रेस पहनाती थी वो पागल हो जाता था। पता है तुम्हें, जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो कुत्ते जैसा ब्रेन पाया बच्चे का। थैंक यू डिटेक्टिव कि आपने हमें बहुत ही डिटेल में इस फिल्म को दिखाया। तो फिर आगे देखते हैं कि इस फिल्म का क्लाइमेक्स क्या होता है। को देखने के बाद हमें पता चलता है कि खूनी पूरी तरह से पागल है और वो तब तक खून करता रहता है जब तक एक लड़की बची रहती है। तुम लोगी? ओह, आह, नहीं बाबा, नहीं।
चलो मुझे बाथरूम जाना है। अरे कहाँ जा रही हो, पहले कुछ करने तो दो फिर बाथरूम जाना। इतना बड़ा नहीं है। ए शेरी, मैं भी नहाने आता हूं। पानी से काम चलाना पड़ रहा है। ठीक है। जॉन, शॉवर क्यों चालू रखा है? ओ, सो रहे हो? विली, ये आवाज कैसी? अरे कुछ नहीं यार, अब कुछ करेंगे तो मजा तो आएगा ना। तुम्हें कैसे पता चला? देखो वो आवाज फिर से आ रही है, जाकर देखो ना। ठीक है, देखता हूँ। जाओ ना। मैं पुलिस को बुलाती हूँ। गॉड, ये फोन भी डेड है। और मैं भी। तो ये है इस फिल्म का क्लाइमेक्स सीन। जहां तक हमें पता है, इस फिल्म में जितने भी खून किए गए हैं वो सब के सब मानसिक रोगी जनरल एलिक गोंजाल्वेस के पोते मिकी द्वारा किए गए थे, जो कि रशिया का रहने वाला था। जनरल को इस बारे में पता है, इसलिए वो इसे हत्याने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैडम, अब आप सुरक्षित हैं। ओ डिटेक्टिव, तो वक्त पे पहुंच गए। अब जहां तक सवाल है रशिया का, तो ये फिल्म अब हमारे पास है और हम किसी भी कीमत पर इसे उन्हें नहीं देंगे। जहां तक रशियंस का सवाल है, तो वो इसे हत्याने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, लेकिन हम
उन्हें किसी भी तरह से कामयाब नहीं होने देंगे, है ना? अब आप समझ गए होंगे कि इन डॉक्यूमेंट्स की क्या अहमियत है। ठीक है मिस्टर ए, आज तुम्हें पता चल गया। जल्दी ही पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मेरा पोता हत्यारा है और मानसिक विकलांग भी। मुसीबत तो ये है कि वो अब भी जिंदा है। जवाब हो स्टीवन जेम्स बैनर। तुम्हारी पिकनिक की आइडिया मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे तो आइडियाज मेरे पास बहुत सारे होते हैं। और जैसे कि बताओ। जैसे कि और थोड़ी शैंपेन पी जाए। हाँ प्लीज। तुम्हारे दोस्त मिकी के बारे में जो बातें सुनी थी, क्या वो सारी बातें सच है? हो सकता है सच हो, पर वो सारी बातें अब तुम छोड़ दो। अगर वो जिंदा भी है तो उससे तुम्हें क्या खतरा हो सकता है? क्या तुम उससे डरते हो? हाँ, ऐसा ही समझो, सबको अपनी जिंदगी प्यारी होती है। रूबी डार्लिंग, मत जाओ। जैकलीन, तुम अपने हरकतों से बाज नहीं आओगे। तुम जितने भी लड़कियों के साथ घूमते हो ना, वो सारी की सारी रशियन स्पाई है और वो लोग तुम्हें चांदनी चौक में बेचकर खा जाएंगे। चलो आज ही हम वॉशिंगटन वापस चलते हैं। स्टीवन, पप्पी दिए बगैर कहाँ जा रहे हो? दो ना। तुम नहीं छोड़ोगी। स्टीवन बहुत मजा आ रहा है। डार्लिंग, मुझे तो लगा तुम अब तक मुझसे नफरत करने लगी होगी। बातें बंद करो, पप्पी लो ना। जब मेरी मर्जी होगी तब लूंगा। क्यों, क्या ख्याल है? Time away, I guess, just my lot in life.